नमस्कार साथियों। देखिए, आज आप और हम लोग बिना किसी चर्चा के, क्योंकि ये चैप्टर समाप्ति की ओर है, तो जल्दी जल्दी से इसको समाप्त करते हैं। तो वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर पर चर्चा करेंगे। तो वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर क्या होता है? अभी तक आपने पीछे जो पढ़ा उसमें बताया गया कि वेक्टर के माध्यम से, वाहक के माध्यम से किसी भी जीन को या डीएनए को, किसी भी जीन को या डीएनए को मुख्य रूप से होस्ट सेल के अंदर प्रवेश कराते थे। विभिन्न प्रकार की मेथड वेक्टर बताए गए थे। प्लाज्मिड वेक्टर मुख्य रूप से था, वायरस के वेक्टर का उपयोग किया था। प्लाज्मिड में PBR-322 का उपयोग किया गया था, PUS का उपयोग किया गया था, PUC का उपयोग किया गया था। तो उन वेक्टर के माध्यम से मुख्य रूप से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी वेक्टर किसी होस्ट सेल में प्रवेश करा दिया गया था, ये बताया। अब आपको मुख्य रूप से पढ़ना है कि क्या बिना वेक्टर के भी जीन का स्थानांतरण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके चांस बहुत कम होते हैं। तो जो जिन मेथड के द्वारा मुख्य रूप से जीन ट्रांसफर कर जाता है होस्ट सेल में बिना वेक्टर के, उन मेथड पर चर्चा करते हैं। प्रवेश न करने के क्या कारण है? सबसे पहले आपको वो कारण बताए जाएंगे कि किन कारणों से इस होस्ट सेल के अंदर मुख्य रूप से जीन ट्रांसफर नहीं कर पाते या डीएनए ट्रांसफर नहीं कर पाते। देखिए, सीधे सीधे मुख्य रूप से बताया जाता है, ये कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब आप जानते ही हैं कि इस प्रकार का कोई डीएनए जो आपके द्वारा पसंद किया गया है, आपके द्वारा लिया जा रहा है। कोई जैसे कि आप और हम लोगों को, मैंने आपको शुरुआत से ही इंसुलिन के जीन के बारे में लेकर चला था, तो वही मान के चले कि ये इंसुलिन का डीएनए या जीन है। इसको अपने को किस में प्रवेश कराना है? ये क्या है? होस्ट सेल है। ये क्या है? होस्ट सेल है। और ये होस्ट सेल का मुख्य रूप से क्या? डीएनए है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये किसकी बनी होती है बच्चों? फास्फो लिपिड की बनी होती है। अब ये डीएनए इसमें प्रवेश करना चाह रहा है, लेकिन प्रवेश नहीं हो पा रहा है। प्रवेश करना चाह रहा है, लेकिन प्रवेश नहीं हो पा रहा है। उसका क्या कारण है प्रवेश नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सीधी सीधी ये जो डीएनए है, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, यानी कि सीधी सीधी कहा जाए जल स्नेही होता है। जल स्नेही होता है। दूसरा कह सकते हैं वाटर सॉल्युबल होता है। डीएनए का जो नेचर है वो हाइड्रोफिलिक है। चूंकि वाटर सॉल्युबल है, डीएनए का नेचर हाइड्रोफिलिक है, इस कारण से फास्फोलिपिड की उपस्थिति की वजह से ये अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। इसके अलावा डीएनए का नेचर आपको पता है, नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए के ऊपर। दूसरा एसिडिक नेचर का भी होता है। इनसे अपने को कोई मतलब नहीं है, केवल अपने को ध्यान रखना हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है या जल स्नेही होता है या वाटर सॉल्युबल होता है। तो ये चीजें मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर बताया जाता है कि अब इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं प्रवेश करेंगे? अपन मेथड का उपयोग करेंगे, अपन जबरदस्ती मुख्य रूप से होस्ट सेल में प्रवेश कराएंगे, लेकिन प्रवेश कराकर ही रहेंगे। भले एक डीएनए प्रवेश कम चांस से बता रहा है, लेकिन क्यों ना एक डीएनए ही प्रवेश क्यों ना करें, लेकिन प्रवेश कराकर ही रहेंगे। बार बार प्रयास करेंगे तो जिस कारण से प्रवेश आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, कौन कौन सी मेथड का उपयोग कर सकते हैं प्रवेश कराने के लिए? तो सबसे पहले मुख्य रूप से आपको बताया जाए कि नंबर एक पे मेथड पे कॉम्पिटेंट मेथड है। ये कॉम्पिटेंट मेथड का मतलब क्या है कि ये जो होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल को इस प्रकार का बना दिया जाए कि मुख्य रूप से डीएनए उसमें आसानी से प्रवेश कर लिया जाए, उसी को कहा जाता है कॉम्पिटेंट। होस्ट सेल को इस प्रकार से बना दिया जाए कि जिस कारण से मुख्य रूप से उसमें डीएनए या जीन आसानी से प्रवेश करने लगे, तो उसी कंडीशन को कहा जाता है कॉम्पिटेंट करना। यानी होस्ट सेल को सबसे पहले आपको कॉम्पिटेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट करना पड़ेगा। चलिए, कॉम्पिटेंट करने के लिए मुख्य रूप से क्या करते हैं, तो वह भी कर लेते हैं। तो देखिए, ये कोई होस्ट सेल है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? कोई होस्ट सेल है। इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाए, इस होस्ट सेल में कैल
जिस कल्चर मीडियम में उसको डेवलप कराया जा रहा है, विशेष ध्यान रखें कि ये पूरी मेथड जो होती है वो कल्चर मीडियम में उसको डेवलप कराया जा रहा है, ग्रो कराया जा रहा है इस होस्ट सेल को, तो इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाए, कैल्शियम आयन को प्रवेश करा दिया जाए, यानी कि ऐसा कल्चर मीडियम लिया जाए जिसमें कैल्शियम आयन हो, कैल्शियम आयन हो, इस प्रकार के मेथड को उपयोग में लाया जाता है इस प्रकार की सेल्स को। ये क्या है, न्यूक्लियस, ये डीएनए है, सेल का डीएनए है, सेल का मुख्य रूप से न्यूक्लियस है। तो जैसे ही कैल्शियम अंदर प्रवेश कराया जाता है, उसके बाद इसको सबसे पहले कैल्शियम कराया तो ये कॉम्पिटेंट हुई, इसके बाद इसको किस में रखा जाए, यहां बताता हूँ, आइस में रखा जाए, किस में रखा जाए, आइस में रखा जाए। आइस में रखने के बाद इसको 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाए, इसको क्या रखा जाए, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाए। जैसे 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं तो इसमें मुख्य रूप से क्या हो जाते हैं, पोर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, पोर बन गए ये। इससे पहले मुख्य रूप से क्या था कि ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मुख्य रूप से इस पर जाकर चिपक जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाकर चिपक गया, पहले ही चिपक गया, लेकिन चिपका हुआ है, अंदर प्रवेश कर ही नहीं पा रहा है, अंदर प्रवेश मुख्य रूप से कर ही नहीं पा रहा है। तो क्या कंडीशंस होती है सीधे सीधे कि जैसे 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है, वैसे ही मुख्य रूप से ये जो डीएनए है, यह डीएनए इन पोर से होते हुए मुख्य रूप से अंदर प्रवेश कर जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस हो गई थी, ये देखिए अब मुख्य रूप से इसमें प्रवेश कर जाएगा, इसमें जैसे ही प्रवेश करेगा तो यहां से होते हुए ये मुख्य रूप से इसमें जाकर अंदर न्यूक्लियस से होते हुए न्यूक्लियस के डीएनए से जाकर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये कॉम्पिटेंट माहौल बनाकर होस्ट सेल का आप और हम लोगों ने डीएनए को अंदर प्रवेश करा दिया। तो ये सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद मुख्य रूप से जैसे ही अंदर प्रवेश कर जाता, अब ये छिद्र खुले हुए, पोरस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हुई थी वह खुली हुई, तो इसको फिर से आइस में रख देते हैं, इसको फिर से आइस में रख देते हैं। जैसे आइस में रखते हैं तो ये जो पोर होते हैं, ये पोर मुख्य रूप से क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। देखिए भैया, इस मेथड में आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, होस्ट सेल था और जीन ऑफ इंटरेस्ट था अपना, जीन ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले जाकर मुख्य रूप से क्या होता है, यहां चिपक जाता है उस मेम्ब्रेन पर जाकर। उसके बाद मुख्य रूप से क्या किया, सीधे सीधे देखिए कैल्शियम आयन से उसको क्या कर रहे थे, कैल्शियम आयन से उसको कॉम्पिटेंट किया, यानी कि ऐसा माहौल बना दिया जिसके कारण मुख्य रूप से डीएनए अंदर प्रवेश करने लगे। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट किया कैल्शियम आयन से, उसके बाद इस होस्ट सेल को, कॉम्पिटेंट मतलब है कि जिस मीडियम में उसको ग्रो करा रहे हैं उसमें कुछ नहीं, कैल्शियम क्लोराइड डाल दीजिए आप, क्या डाल दीजिए, कैल्शियम क्लोराइड डाल दीजिए, वह सेल कॉम्पिटेंट हो जाएगी, उस सेल को अब कॉम्पिटेंट सेल कहा जाएगा। उसके बाद उस होस्ट सेल को आइस में रखते, बर्फ में, ठंडी ठंडी बर्फ में रख दीजिए, बर्फ में रखते हैं, बर्फ जैसी वह ठंडी हो जाती है उसके बाद उसको 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रख दीजिए। 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखेंगे, वैसे ही मुख्य रूप से सेल में ये ब्लैक कलर के होल मैंने बनाए तो छिद्र हो जाएंगे, उन छिद्रों से होते हुए जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वह जीन ऑफ इंटरेस्ट मुख्य रूप से इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा और न्यूक्लियस में पाए जाने वाले डीएनए या बैक्टीरियल सेल्स के लिए, कोई जरूरी नहीं कि आपने मतलब ये यूकेरियोटिक सेल्स लिए, बैक्टीरियल सेल्स के डीएनए से मुख्य रूप से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार का ट्रांसफर है, आपने देखा कहीं भी वेक्टर का माध्यम नहीं लिया आपने, सीधे सीधे डायरेक्ट मुख्य रूप से अंदर प्रवेश कराने की मेथड को समझा है। तो इसी मेथड को क्या कहा गया, कॉम्पिटेंट मेथड कहा गया। विशेष ध्यान रखना है, इस सेल में को कैल्शियम आयंस के माध्यम से कॉम्पिटेंट किया जाता है सबसे। अब ये छिद्र हो गए थे, अब छिद्र को मुख्य रूप से क्या किया जाएगा, फिर से सेल्स को टेम्परेचर में रख लिया, डीएनए अंदर प्रवेश कर गया, तो फिर से मुख्य रूप से क्या किया जाता है, उसको बर्फ में रख देंगे, फिर से बर्फ में रख देंगे। जैसे बर्फ में रखते हैं उसके बाद ये पोर बंद हो जाते हैं। तो ये सबसे पहली मेथड थी कॉम्पिटेंट मेथड, तो ये आपकी कॉम्पिटेंट मेथड। अब सेकेंड जो मेथड आती है वह इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड आती है। देखिए
इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में क्या क्या कुछ नहीं करना, नाम से स्पष्ट हो रहा है बिजली से रिलेटेड ये शब्द इलेक्ट्रिक। अपने को जो होस्ट सेल है उस होस्ट सेल को शॉक देने, बिजली के क्या देने, शॉक देने, करंट लगा दो उसमें। करंट लगाते तो क्या करते, ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा ही करना है अपने आप को, कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये क्या लिया आपने, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्या है, होस्ट सेल है, होस्ट सेल है। अब ये उसका क्या है, न्यूक्लियस। ये दूसरे से बनाना है मुझको। ये क्या है, उसका डीएनए। अब इसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दें, क्या दे दें इस सेल को, इलेक्ट्रिक शॉक देना है। विशेष ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो क्या होगा, ये सेल इस प्रकार से होगी। तो उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा तो इसमें पोर बन जाएंगे। ये लीजिए, ये पोर बन गए इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। लेकिन विशेष ध्यान रखें, ये जो पोर बनते हैं वो बहुत कम समय के लिए बनते हैं। ये जो पोर बनते हैं वह बहुत कम समय के लिए ही बनते हैं। यदि उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन के लिए ये पोर बने हैं उसी ड्यूरेशन में यदि ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर प्रवेश कर गया, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर प्रवेश कर गया, तो मुख्य रूप से क्या होगा कि ये प्रवेश करके इस डीएनए से जुड़ जाता है जाके। यदि प्रवेश नहीं किया तो फिर काम गया। तो विशेष ध्यान रखें कि उस 100 15 20 बार इस प्रोसेस को करेंगे तो कहीं एक बार जाकर मुख्य रूप से डीएनए प्रवेश कर पाता है। क्योंकि इसमें इस सेल, होस्ट सेल को इलेक्ट्रिक शॉक से उपचारित किया गया था, ट्रीट किया गया था। क्या इस सेल को इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा ट्रीट किया गया था, इस वजह से इसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रोपोरेशन कहा गया। यानी कि इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब इलेक्ट्रिक शॉक के माध्यम से उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या उस भित्ति पर मुख्य रूप से पोर बना दिए गए, जिस कारण से मुख्य रूप से ये जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर प्रवेश कर जाता है। ये दूसरी मेथड होती है इलेक्ट्रोपोरेशन। बिल्कुल सिंपल मेथड है, कहीं कुछ नहीं है इसमें। देखिए इसमें भी पोर बनाए थे और इसमें भी पोर बना दिए, लेकिन विशेष ध्यान रखें कि सीधे सीधे 100 ड्यूरेशन के लिए मुख्य रूप से ये पोर बनते हैं। 100 ड्यूरेशन के लिए पोर बनते हैं, उस समय में मुख्य रूप से अवश्य घुस जाए तो ठीक है, और नहीं घुस पाए तो मेथड बेकार है। यानी कि आपको बार बार ये मेथड करनी पड़ेगी जब कहीं जाकर मुख्य रूप से ये जीन इसके अंदर प्रवेश कर पाता है। तो ये दो मेथड आपकी ये बताएं, ले लीजिए जरा इसका स्क्रीनशॉट, जिससे कि मुख्य रूप से मैं हट गया तो जिससे कि आपका फिर से काम करा दिया जाए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, अब इसको मैं मिटाल दूं। देखिए अब मुख्य रूप से कौन सी मेथड है, सीधे सीधे बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड है। बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड है। बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड मुख्य रूप से जनरली जो अपनाई जाती है। जीन गन, गन का मतलब आप जान रहे हैं, गन का मतलब आप जान रहे हैं, गन मतलब बंदूक। बंदूक में मुख्य रूप से डीएनए को रख लेंगे और उस कोशिका के अंदर प्रवेश करा देंगे। स्वाभाविक है, बंदूक में रख रहे हैं और बंदूक में राउंड जो होता है, गोली जो होती है, रखते हैं तो जंतु में देते हैं तो जंतु मर जाता है कि नहीं मर जाता है। तो इस वजह से विशेष ध्यान रखना कि अपने को सेल मारनी नहीं है भैया। जब बंदूक में रखेंगे तो मरेगी तो है ही, गन में जीन को रखेंगे तो मर, जीन राउंड है, जीन क्या है वो गोली है तो छर्रे है, तो जब जाएगी जंतुओं में तो मरेंगे जंतु। तो इस वजह से इस मेथड को जंतुओं की कोशिकाओं पर नहीं अपनाया जाता, इस मेथड को जंतुओं की कोशिकाओं पर नहीं अपनाया जाता भाइयों मेरे। इस मेथड को जो अपनाया जाता है वह प्लांट सेल के लिए अपनाया जाता है, यानी कि मोर सीटेबल फॉर प्लांट सेल। तो देख लीजिए थर्ड नंबर की जो मेथड है, जिसको जीन गन या मतलब आपको बायोलिस्टिक मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोलिस्टिक। इससे ध्यान में रखिए, गन ये गन है कि गन से आप और हम लोग आदमियों को मारते हैं, जंतुओं को मारते हैं, तो मारना तो है नहीं है,
इस मेथड में अपने को क्या कराना है भैया, जीन को ट्रांसफर कराना है। जंतु अब पेड़ पौधों में बंदूक छर्रे मारो, कितने भी मारो, मरेगा नहीं। तो स्वाभाविक है कि इससे आप ध्यान में रखिए कि ये मेथड सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों के लिए अपनाई जाती है। किसके लिए अपनाई जाती? पेड़ पौधों के लिए अपनाई जाती। तो इस वजह से सबसे पहला यही पॉइंट लिख दीजिए, मोर सूटेबल फॉर प्लांट, यानी कि ये पौधों के पौधों की सेल के लिए ही अपनाई जाती है, पौधों की सेल के लिए ही मुख्य रूप से अपनाई जाती है। यानी पौधों की सेल में मुख्य रूप से जब प्रवेश कराना है GOI को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो उसी दौरान इस मेथड को मुख्य रूप से यूज किया जाता है। विशेष आपको ध्यान में ये रखना है। तो किस प्रकार से मुख्य रूप से इसमें, सबसे पहले देखिए बंदूक में क्या होती है, बुलेट होती है कि नहीं होती है? बुलेट यानी जिसको मैं राउंड कह रहा हूं, तो बंदूक में बुलेट कैसी होती है? इस प्रकार के छोटे से कारतूस होते हैं, कारतूस होते हैं कि नहीं होते हैं? उसके अंदर रख दे, पिस्टल के कारतूस देखे होंगे, लंबी सी बंदूक के कारतूस आपने देखे होंगे, मैंने वो रख बनाए। ये जो कारतूस होते हैं, ये कारतूस गोल्ड के बने होते हैं, क्या के बने होते हैं? गोल्ड के बने होंगे या फिर टंगस्टन के बने होंगे। किसके बने होंगे? गोल्ड या मुख्य रूप से टंगस्टन के बने होते हैं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर मुख्य रूप से क्या किया जाए, इसके ऊपर डीएनए को कोट कर दिया जाए, रैप कर दिया जाए, इस प्रकार से डीएनए को कोटेड कर दिया इस कारतूस के ऊपर। क्यों? क्योंकि अपने को मुख्य रूप से इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्रवेश कराना है, होस्ट सेल में प्रवेश कराना है। तो इस कारतूस के ऊपर जो गोल्ड या टंगस्टन का बना हुआ है, जो गोल्ड या टंगस्टन का बना हुआ है, उसके ऊपर मुख्य रूप से क्या किया जाए, डीएनए को रैप कर दिया जाए। तो चलिए पहले मतलब आपको मैं एक कारतूस ही सिर्फ बनाता हूँ, दूसरे चरण में उसको रैप करना बताता हूँ। देखिए अब इसके ऊपर क्या किया जाए कि अपना ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्या है, अपना डीएनए है जिसको प्रवेश कराना है। तो क्या किया जाए कि इस कारतूस के ऊपर, ये तो मैं जो कि आपको विजुअल रहे, दिखाई दे, इस वजह से बड़ा बना रहा हूँ, बिल्कुल छोटा होता है ये, विषय ध्यान रखना नहीं, आप कौन सा इतना बड़ा होता है। और इसके ऊपर इस डीएनए को इस प्रकार से कोटेड कर दिया, ये लीजिए इस डीएनए को कोटेड किया गया है, ठीक है, कर दिया। अब मुख्य रूप से रैप करना मतलब चढ़ाना है उसके ऊपर, परत चढ़ाना। तो ये रैप कर दिया गया। अब एक मशीन का देखिए, ये क्या है अपनी, ये क्या चीज है, होस्ट सेल है। ये क्या है, होस्ट सेल है। इस होस्ट सेल का मुख्य रूप से ये क्या है, ये डीएनए है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है यानी क्रोमोसोम। तो अब एक मशीन का उपयोग करते हैं, काय का उपयोग करते हैं, मशीन का, भाई मशीन मतलब बंदूक भाई, ऐसा थोड़ी है कि अपन ने ये जो कारतूस है, कारतूस को हाथ में पकड़ा और ऐसे दे दिया किसी में, तो मरता थोड़ी है आदमी, वो तो चोटिल हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखें। तो भाई जो कारतूस है आपने ये तैयार कर लिया है, तो इसको किसी मशीन के अंदर भरकर प्रवेश कराना पड़ता है। जैसे बंदूक में राउंड को रखते, कारतूस को रखते, फिर चलाते, यूं निशाना बांध कर पहुंच गया कारतूस अपना। तो उसी प्रकार से मुख्य रूप से इसको आपने, ये जो कारतूस था ये इस मशीन के अंदर रखा, इस मशीन के अंदर रखा, और ये क्या है, डीएनए है। अब इस प्रकार से चलाते हैं, इतनी उसकी तेजी से चलाते हैं कि ऐसा हो कि इसमें ये जाए निकलकर तो सीधे सीधे इस न्यूक्लियस, इस मेम्ब्रेन से होती हुई, न्यूक्लियस से होती हुई इस डीएनए से जाकर जुड़ जाए। ऐसा ना हो कि आपने चलाया तो पता चला कि मुख्य रूप से इसी सेल के पहले रह गया, या चलाया तो इस सेल के साइटोप्लाज्म तक ही रुक गया, न्यूक्लियस तक पहुंच ही नहीं पाया। तो इस प्रकार से उसको सेट किया जाता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश हो जाए, और न्यूक्लियस के अंदर जैसे ही प्रवेश होता है तो वह उसके डीएनए से जुड़ जाता है। ये लीजिए जोड़ दिया, क्लियर। तो ये जो मेथड है इसमें को जीन गन मेथड कहा जाता है। कौन सी मेथड कहा जाता है? जीन गन मेथड के नाम से जाना जाता है।
तो या इसको बायोलिस्टिक मेथड कहा जाता है, कुछ नहीं किया आपने, हमने इसमें सिर्फ मुख्य रूप से क्या लिया कि टंगस्टन या मुख्य रूप से गोल्ड का एक छोटा सा कारतूस बना लिया, कारतूस बोल रहे हैं ठीक है, और मुख्य रूप से कहीं नहीं उसके ऊपर जो अपना मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लपेट दिया, लपेटने के बाद मशीन के माध्यम से उस होस्ट सेल के अंदर मुख्य रूप से प्रवेश करा दिया। विशेष ध्यान रहे कि प्रवेश इस प्रकार से कराना है कि इतनी तेजी से जाए कि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश करके, ऐसा ना हो इतनी तेजी से कर दो न्यूक्लियस से होते हुए सब पार हो जाए, ऐसा भी नहीं है। तो ये मेथड मुख्य रूप से अपनाई जाती है। तो इसी मेथड को क्या कहा गया, जीन गन, जीन की स्पेलिंग में ई नहीं लगाई है, जीन गन मेथड कहा जाता है ठीक है। तो ये दूसरी मेथड हुई आपकी जीन गन। एक मेथड मुख्य रूप से होती है माइक्रो इंजेक्शन मेथड होती है, कौन सी मेथड होती है, चौथे नंबर की माइक्रो इंजेक्शन, नाम से स्पष्ट हो रहा है इंजेक्शन लगाना है अपने को होस्ट सेल में मुख्य रूप से, जो सिरिंज होती है कि नहीं, ऐसी सिरिंज होती है पतली सी, फिर उसमें पतली सी लोहे की रहती है, ये पूरी प्लास्टिक की रहती है, उसमें दवाई भरकर मुख्य रूप से यूं कर दिया जाता है, तो उसको इंजेक्शन ही लगाना है इसमें होस्ट सेल के अंदर इंजेक्शन लगाना है। लेकिन इंजेक्शन ग्लास की बनी हुई वह पिपेट होती है, पिपेट होती है, विशेष ध्यान आपको ये रखना, आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, तो उसको ऐसे करते थे, पिपेट कांच की होती थी, पानी लेते थे उससे अंदर की ओर सूंघते थे, फिर धीरे धीरे मुख्य रूप से जहां पहुंचाना होता था धीरे धीरे फूंक देते थे और उसके अंदर मुख्य रूप से प्रवेश करता था, तो वही कांच की पिपेट होती है। तो इसमें ये क्या है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है इसको क्या कहा जा रहा है, वही बार बार जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये कोई सेल है, ये उसका कोई न्यूक्लियस है, ये लीजिए। अब पिपेट लेते हैं, पिपेट में यहां आपको बना के बता देता हूं, बिल्कुल पतली होती है, कांच की बनी हुई होती है, ये लीजिए ये पिपेट बना दिया, इसको क्या कह दिया, पिपेट क्या कह दिया, कांच की बनी, सबने देखा होगा लैब में पाई जाती है कांच की बनी हुई। अब क्या किया जाए, एक पिपेट से मुख्य रूप से इस सेल को पकड़ लिया जाए, विशेष ध्यान रखें माइक्रोस्कोप में ये प्रोसेस हो रही है, माइक्रोस्कोप में ये प्रोसेस चल रही है, क्या किया जाए, एक पिपेट के माध्यम से, एक पिपेट के माध्यम से इसको आप लें, किसी पिपेट को स्किन पे रखें और अंदर उसको खींचे, तो क्या होता है, ये स्किन को पकड़ लेता है, पकड़ता है पिपेट के, नहीं पकड़ता है, ऐसे ही मुख्य रूप से इसको इससे ले जाएंगे और बाहर की ओर खींचेंगे तो ये इसकी स्किन को पकड़ लेता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पकड़ लेता है, तो वहीं ये बनी रहती है। फिर क्या करेंगे, दूसरी पिपेट लेंगे, तो ये वाली पिपेट है, इस दूसरी पिपेट को लेते हैं, चलिए अभी मैं ले रहा हूं ये बाहर, और इस पिपेट में मुख्य रूप से क्या पाया जा रहा है अपना, ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये लीजिए। अब इस पिपेट को मुख्य रूप से लिया जाता है, तो इस प्रकार से इसमें प्रवेश कराया जाता है इस पिपेट को कि वह न्यूक्लियस तक पहुंच जाए, पहुंचा दिया न्यूक्लियस तक। अब मुख्य रूप से इस साइड से इस प्रकार से मुंह पे रख लिया, ये देंगे, तो ये जो मुख्य रूप से आपका क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुंह से कर, वहां प्रेशर देना पड़ेगा, वहां क्या करना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, जैसे ये प्रेशर देंगे तो मुख्य रूप से क्या होगा, कोई भी प्रेशर, ये इंजेक्शन वाला जैसे अंदर से प्रेशर देते हैं, इसी प्रकार का प्रेशर होगा मुंह से, तो मैंने करके बताया है। तो ये मुख्य रूप से आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट सीधे सीधे धीरे होते हुए इसमें ये जाके जुड़ गया, ये लीजिए ये जुड़ गया। तो इस मेथड को मुख्य रूप से क्या कहा गया, माइक्रो इंजेक्शन मेथड कहा गया, इस मेथड को क्या नाम दिया गया, माइक्रो इंजेक्शन मेथड कहा जाता है। इस प्रकार से इन चार मेथड के माध्यम से, चार मेथड के माध्यम से आपने वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर प्रोसेस को बताया। देखिए कुछ भी नहीं किया आपने, आपने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले सेल को मुख्य रूप से कॉम्पिटेंट कर दें पहली मेथड में, यानी कि उस सेल को ऐसा माहौल बना दें कि वह मुख्य रूप से डीएनए प्रवेश कर सके,
कॉम्पिटेंट में कुछ नहीं करना है, जिस मीडियम में सेल ग्रो कर रही है उसमें मुख्य रूप से कैल्शियम क्लोराइड मिला दीजिए, यानी कैल्शियम आयंस मिला दीजिए। जैसी कैल्शियम आयन मिलाएंगे तो वह कॉम्पिटेंट हो गई। अब उसको आइस में रखेंगे, आइस में रखने के बाद 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखेंगे तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर हो जाते थे और उससे GOI अपना चिपका हुआ था, वैसे पोर होते जैसे ही मुख्य रूप से अंदर प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर गए DNA, बिल्कुल कर गए। अब क्या ये छिद्र हमेशा बने रहेंगे? इनको मुख्य रूप से हमेशा नहीं बनाए रखना, फिर से इसको आइस में रख देते हैं, फिर से इसको बर्फ में रख देंगे और उसके बाद सीधे सीधे मुख्य रूप से ये फिर से ये छिद्र बंद हो जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी मेथड में आपको आपने क्या किया था, इलेक्ट्रोपोरेशन किया था। इलेक्ट्रोपोरेशन दूसरी मेथड क्या थी, यानी कि उस होस्ट सेल को क्या दिया गया था, होस्ट सेल को मुख्य रूप से शॉक दिया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था, इलेक्ट्रिक शॉक जो करते हैं नहीं, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक शॉक दिया था। तो इलेक्ट्रिक शॉक देने पर मुख्य रूप से क्या हुआ था, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसकी वॉल में मुख्य रूप से छिद्र बन जाते, लेकिन ये छिद्र जो बनते हैं वह कम समय के लिए बनते हैं। उस ड्यूरेशन में यदि जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना DNA अंदर प्रवेश कर गया तो ठीक है, नहीं छिद्र बंद हो जाते। इस वजह से इस मेथड को कई बार इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, पागल होते हैं तब इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं कि नहीं, तो क्या एक इलेक्ट्रिक शॉक में सही हो जाता है, तो बार बार डॉक्टर देता रहता है, तो ऐसे ही ये बार बार प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो दूसरी मेथड भी बिल्कुल सिंपल थी। तीसरी मेथड में मुख्य रूप से आपने क्या किया था, गन का उपयोग किया था, यूं गन निशाना लगाकर गन का उपयोग किया गया था। गन में क्या भरते हैं, कारतूस भरते हैं और कारतूस मुख्य रूप से पहुंचा देते जंतु में, देते जंतु मर गया, लो मार डाला। तो चूंकि जंतु में देते हैं जंतु मर जाते हैं, तो जंतुओं में ये मेथड का उपयोग नहीं करेंगे, इस मेथड का उपयोग काय में करेंगे, सीधे सीधे प्लांट के लिए ये सूटेबल मेथड है। और ये वाली जो मेथड है, ये मेथड किसके लिए, एनिमल के लिए सूटेबल मेथड है, ये वैसे ध्यान रखना, माइक्रो इंजेक्शंस वाली मेथड। तो उसमें क्या किया जाता है, एक बुलेट लेते हैं जो गोल्ड या टंगस्टन की बनी हुई है, तो उस बुलेट के ऊपर मुख्य रूप से DNA को कोटेड करते जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट होता, और एक मशीन के द्वारा यानी एक गन के द्वारा, बंदूक के द्वारा मुख्य रूप से उसके अंदर पहुंचा देते। ये वैसे ध्यान रखना, अपनी वाली बंदूक नहीं है, नहीं आप सोचोगे सर यही बंदूक है, ये बंदूक मुख्य रूप से वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई बंदूक है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से उस टंगस्टन को, टंगस्टन की बुलेट को इस न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा देते और वह जाकर यहाँ DNA उससे जुड़ जाता है। अब तीसरी जो चौथी जो मेथड थी, उस मेथड में माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन क्या था, पिपेट था, केमिस्ट्री लैब में आराम से देखे होंगे पिपेट। तो ये जो पिपेट होते हैं उन पिपेट के माध्यम से मुख्य रूप सबसे पहले शक करते हैं तो वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन या वॉल को पकड़ लेता है, जिसके कारण से वो वहीं की वहीं बनी रहती है। फिर दूसरी पिपेट में जिसमें DNA है, तो उस पिपेट के DNA को मुख्य रूप से उसके अंदर घुसेर कर मुख्य रूप से उस न्यूक्लियस तक पहुँचा देते हैं। ये सभी विषय ध्यान रखना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं। तो इस प्रकार से आपने बिना वाहक के आपके इच्छित DNA को कोशिका के अंदर प्रवेश करा दिया और एक न्यू रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिम को या सेल को बना लिया, ठीक है। तो ये मेथड अब देखिए, इसमें आपके इस टॉपिक में बायो रिएक्टर बचा हुआ है, क्या बचा हुआ, बायो रिएक्टर और शायद एक आध दो चीज़ें और बची होंगी, उसको आप और हम लोग अगले पार्ट में लेकर उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। करने की कोशिश क्या करेंगे, मतलब एक पार्ट और बनाएंगे उसमें सीधे सीधे समाप्त कर डालेंगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल अच्छे ढंग से, यहाँ लिख दीजिए जैसे मोर सूटेबल फॉर प्लांट लिखा था, यहाँ लिख दीजिए ये मेथड मोर सूटेबल फॉर एनिमल सेल, ठीक है। अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।